राजधानी में 3 कोच के अलावा 7 कोच की मेट्रो लाइट ट्रेनें चलेंगी। 7 कोच की मेट्रो लाइट ट्रेन कीर्तिनगर से द्वारका बामनौली के बीच चलेगी। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम 29 मेट्रो लाइट ट्रेन खरीदेगा। DMRC ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ट्रेनें वातानुकूलित वो लो फ्लोर बसों की तरह होगी। इसका परिचालन चालक मैन्युअली करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होगा। हालांकि ट्रेनों के दरवाजे स्वतः खुलेंगे। हालांकि मेट्रो लाइट में किस तरह का सिग्नल सिस्टम की सुविधा की जाएगी अभी यह तय नहीं हुआ है। बता दें कि DMRC ने 2 मेट्रो लाइट कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। इसके तहत रिठाला से नरेला के बीच 21.7 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइट कॉरिडोर का निर्माण होना है। दूसरा कॉरिडोर कीर्तिनगर से द्वारका सेक्टर 21 बामनौली के बीच बनना है। ये दोनों कॉरिडोर सड़क के समानांतर जमीन पर बनेंगे। इसके निर्माण में मेट्रो की तुलना में 50% कम लागत आएगी। हालांकि अभी तक इन दोनों कॉरिडोर को दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। DMRC को मंजूरी का इंतजार है। DMRC ने कीर्तिनगर बामनौली कॉरिडोर के लिए मेट्रो लाइट ट्रेन खरीदने की पहल कर दी है। DMRC के अनुसार इस कॉरिडोर के सभी मेट्रो लाइट ट्रेनों में 7 कोच होंगे। ट्रेन की कुल लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 2.65 मीटर होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर होगी। इस ट्रेन की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। सभी ट्रेनों की क्षमता 425 यात्रियों की होगी। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे, इमरजेंसी अलार्म, स्टेशनों की सूचना देने के लिए उद्घोषणा और डिस्प्ले पैनल की सुविधा होगी। इस ट्रेन की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लो फ्लोर बस की तरह ट्रेन की सतह भी जमीन से महज 1 फीट ऊंची होगी, इसलिए प्लेटफॉर्म भी बस स्टैंड की तरह कम ऊंचाई वाले होंगे। मेट्रो लाइट ट्रेन के कोच में पहियों के पास का हिस्सा थोड़ा ऊंचा होगा, जहां लो फ्लोर बस की तरह सीट होगी। इसके अलावा इन ट्रेनों में दोनों साइड से यात्रियों के बैठने के लिए सीट होगी। मेट्रो लाइट में सामान्य तौर पर 3 कोच होते हैं। कीर्तिनगर बामनौली के बीच यात्रियों की संख्या अधिक हो सकती है, इसलिए इस प्रस्तावित कॉरिडोर पर 7 कोच की मेट्रो लाइट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वहीं रिठाला से नरेला के बीच 3 कोच की मेट्रो लाइट ट्रेनें चलेगी। दिल्ली मेट्रो के परिचालन में ऑटोमेटिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। मेट्रो में चालक सिर्फ ब्रेक लगाने और ट्रेन स्टार्ट कर आगे बढ़ाने का काम करता है। सिग्नल सहित बाकी सुविधाएं ऑटोमेटिक हैं, इसलिए सिग्नल सही मिलने पर मेट्रो ट्रेनों की गति खुद नियंत्रित होती है। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।